नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी कंपनी में और मैं आपका दोस्त पवन। जैसे सर आज हमारे पास आए हुए हैं इन्हीं वाटर डिटेक्टर मशीन के रिगार्डिंग जानकारी लेने और प्रोडक्ट के विषय में सब चीज पता करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? राम जी शर्मा, ग्रैंड वाटर से है। राम जी शर्मा। ओके। जैसे कि आपने सुना कि सर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से ही रिटायर्ड पर्सन है, एक सीनियर पर्सन है और काफी अच्छा अनुभव रखते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हैं रामजी शर्मा। रामजी शर्मा जी कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अगर मेंटल डिक्टेटर से सर्वे पॉइंट का सर्चिंग की जाए तो रेसिस्टिविटी सर्वे और एक्चुअली में बुंदेलखंड में, चूंकि बुंदेलखंड बिलोंग करता हूँ, जिनके एमपी और यूपी का बॉर्डर है, उसमें रेसिस्टिविटी सर्वे डिक्टेटर्स के ग्राउंड वाटर डिक्टेटर के बिना संभव नहीं हो पाता है। एसपी पॉइंट्स, चूंकि फ्रैक्चर जोन में पानी पाया जाता है ग्राउंड सी जोन में, और फ्रैक्चर जोन को ढूंढने के लिए ग्राउंड वाटर डिक्टेटर की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और ये सर्वे पॉइंट जब क्लियर होगा, जब मेंटल डिक्टेटर आपके पास ग्राउंड वाटर डिक्टेटर और रेसिस्टिविटी सर्वे पोटेंशियल प्लस करंट की वैल्यू देता है, जिससे हम लोगों को ये अनुभव होता है कि बेडेड कहाँ है और उस जगह कितने पानी मिलने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो आपके इलाके में जो पानी का मतलब सारा जो स्टार्टर रहता है जी, वो हार्ड सरफेस भी रहता होगा जमीन में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में बुंदेलखंड का स्टेटस कई ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ की 2-3 मीटर के बाद ही हार्ड रॉक या बेदर्ड रॉक, अच्छा अच्छा अच्छा, और जिसकी थिकनेस अधिकतर अधिकांश 15 मीटर या 20 मीटर और अधिकांश जो है 50 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, जिसमें कहीं कहीं ठीक पानी, कहीं 2-1.5 इंच पानी मिलता है, जिससे किसानों की का काम चलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है। और बिना ग्राउंड वाटर डिक्टेटर के संभव नहीं है आज की टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि दोस्तों आप भी सुन ही रहे हैं कि अब जो आने वाला भविष्य है या अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है, मॉडर्न टेक्निक का समय है, तो ऐसी ही मशीनों से आप अपनी जमीन के नीचे कहाँ पर पानी है, आपका सरफेस कैसा है, लैंड स्ट्रक्चर कैसा है, कोई हार्ड सरफेस है या क्या, आपका करंट पोजीशन आपकी लैंड की कहाँ कैसी बन रही है, वो आप इन्हीं की मदद से एक सटीक रिजल्ट ले सकते हैं, जिससे कि आप वो जो पानी का पॉइंट सर्च करना चाह रहे हैं अपनी खेती के लिए पीने के लिए, तो वो आप इस माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सर आपको तो काफी अच्छा अनुभव है, आप डिपार्टमेंट से ही रिटायर हैं। तो बिल्कुल, मैंने 32 इयर्स जियोफिजिकल सर्वे ही किया है। 32 साल बहुत समय हो जाता है। और पार्टिकुलर मेरे यूपी के जो डिवीजन था उसमें 7 जिले थे और 7 जिलों का स्टेटस डिफरेंट था, कहीं वेल्वियम, कहीं सैंड, कहीं पोर सैंड, कहीं बेदर्ड रॉक, कहीं हार्ड रॉक, कहीं बिल्कुल नहीं। तो इनका ऐसी स्थिति में सर्वे की बहुत बड़ी महत्वता है, और वो जियोफिजिक्स। और इसमें फिर यदि उस दौरान ग्राउंड वाटर डिक्टेटर होता है तो और महत्वता सुलभ हो जाती है पानी के लिए, किसानों के लिए। ये बिल्कुल सही बात है कि भी पानी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की काफी अच्छी मदद हो जाती है इन मशीनों के जरिए कि उन्हें पानी की उपलब्धि प्राप्त हो जाती है और खेती करने में आसानी रहती है। तो सर आप अभी तो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका डिपार्टमेंट जो था वो क्या डिपार्टमेंट था? ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, यूपी। तो सर आप आज मेरे पास आए हैं, सुबह सुबह मेरे पास पहुंच के रात भर सर्वे आपने जर्नी किया है, तो आपको कैसा लगा मेरे पास आकर के? और आप मेरे तक पहुंचे तो आपको इतनी दूर आने का, देखिए आज के समय में किसी के पास भी व्यर्थ का समय नहीं होता कि वो उठे और चल दे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपने मेरे पास ही आना? एक्चुअली में आपसे जब फोन पे बात हुई, आत्मीयता प्रकट हुई कि इस
एक्चुअली में एक ऐसे टेक्निकल आदमी से मिलने जा रहे हैं कि जो इस तरह की मशीनों पर सर्वाइवल कर रहे पूरे आल मैंने आल प्रदेशों में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है और हम उसके बारे में जानते हैं तो हम सभी को इस बारे में दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि वो अब पर युग खत्म हो गया कि इतनी जमीनें होने के बाद भी लोग बाग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर नहीं पाते। बिल्कुल अब सही। हमें नए ढंग से जीना होगा और नई खेती करना होगी, उसके लिए पानी की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और हमारे पास खेतों में पानी नहीं होगा तो हम लोग हम कैसे तरक्की भरण पोषण करेंगे। नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, हम तरक्की किसानों की तरक्की में ही तरक्की है, अन्य लोगों की किसान अन्न देवता अन्न देवता। बिल्कुल सही बात है। जब हम उपज ही नहीं हो पाएगी तो आगे बस कोई भी चीज जो सर्कल है वो नहीं घूमेगा, वो नहीं चल पाएगा। और जैसे कि आपने मेरे पास आए मशीनों के लिए, तो आपने और भी कहीं से कुछ पता किया या ऐसा कुछ किया अरे होगा? आपके आपके बारे में तो मैंने आप YouTube पे कई वीडियो देखे जिससे मैं प्रभावित हुआ। अच्छा। और पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। अब नई टेक्नोलॉजी में क्या है, सर्वे करने के दौरान आप बटन दबाएंगे कर्व निकल के आ जाएगा, बिल्कुल रिजल्ट सही। तुरंत दे देंगे बिल्कुल 20 मिनट बिल्कुल में। बिल्कुल अब क्या वो हो गए, बॉडी में जैसे कोई भी टेस्ट होता है तो हर आदमी ये चाहता है कि हमारा रिजल्ट तुरंत बताए कि क्या क्या बीमारी है। सही बात। इसीलिए किसान भी चाहता है कि हमारी रिपोर्ट हमें भी रिपोर्ट तुरंत मिले, रिपोर्ट टाइम ना लगे। हाँ, समय ये समय का हाई अभाव टेक रहने की वजह से वो चाहता बस है कि भी तुरंत उसे उन चीजों का आप रिजल्ट एक्चुअली मिले। में आदमियों को टेक्निकल से जोड़ना पड़ेगा हर आदमी को, बिल्कुल बिल्कुल। और पुरानी परंपराओं को वो छोड़ छोड़ करके नई आगे नए हिसाब भाई से समय जीना है जो होता है वो बदलाव के और पढ़े हिसाब से। लिखे लोग इससे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने जो मशीनों का एक निर्णय बनाया, तो आपका और भी कहीं पे किसी से संपर्क या बात हाँ हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि देखिए कोई इतनी सस्ती मशीनें तो है नहीं नहीं कि नहीं हम नहीं एक नहीं सेकंड में नहीं डिसीजन नहीं बना लेते हैं किसी भी चीजों को बिल्कुल लेने बिल्कुल का, क्योंकि मेहनत का पैसा होता है, बिल्कुल। सही जगह लगना चाहिए सही। नहीं इतना तो उचित है, ये पैसा ऐसा नहीं है, इसमें कोई ना कोई टेक्निकल जो यूज हुआ है वो ये दिखने में ये देख रहे हैं कि नहीं एक्चुअल पैसा है, कोई नाजायज पैसा नहीं है। बिल्कुल। और इसका सदुपयोग और इसकी टेक्निकली उपयोगिता है, पैसे को टेक्निकल से ना जोड़ा जाए हाँ ये तो है, ये तो है। कि पैसा इतना लग रहा है, नहीं वो यूजफुल है। यूजफुल। हाँ वही है कि आपकी आपकी सक्षमता आपकी आपका नाम होगा, आप उस टेक्निकल मेथड से करेंगे तो आप और ज्यादा ठीक रहेंगे और आपके साथ में आपका भी नाम जुड़ा रहेगा कि हमने जहाँ से दिल्ली से पवन जी पवन शर्मा से हमने खरीदी थी वो बहुत बढ़िया मशीन है, वो अच्छी सप्लाई दे रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रही है मशीन, मशीन में कोई एरर नहीं है और टेक्निकल सोल्ड। बिल्कुल और इससे लगाव होना चाहिए आदमी को और लगाव से ही टेक्निकल सोल्ड बनता है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ये बताना चाहेंगे कि वो अगर हमारे पास आए तो क्या वजह है कि हमारे पास ही आए और कहीं से क्यों ना आपके ले? पास आने की आवश्यकता ही नहीं, वो फोन से बात कर लेंगे उतने ही में काम बन जाएगा, वो टेक्निकल आदमी होना चाहिए, होना चाहिए बस उस मशीनों के बारे में जागरूकता होना चाहिए और वो जानकारी रखना थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि और या टेक्निकल नहीं है तो थोड़ा सा अपनी अभ्यास से उन अभ्यास चीजों को सीखे और चलाने और का। दूसरे का सहयोग ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो होते हैं, मान लीजिए और कोई फोन चीज। पे चाहे कुछ फील्ड में है आप पवन जी से बात करिएगा, पवन जी ऐड देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इन चीजों के लिए तो हम आपने तत्पर ही हमने रहते हैं। राजस्थान में देखा आपको बढ़िया सर्वे करते हुए धूप में, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं कुछ नहीं होता। ये तो है। देखिए आप जैसे कि सर से भी सुन ही रहे हैं कि मशीनें तो काम हाँ, करती हैं, बट मैं आपको आपको मशीनों बिना के साथ मशीन बनना पड़ेगा, मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ेगा, 40 डिग्री तभी सेल्सियस में आपको सर्वे बिल्कुल। करना। ये नहीं है कि मशीनें रिजल्ट नहीं देती हैं। मेरे ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो इन मशीनों से लाखों रुपए महीना का कमा अरे रहे हैं, बिल्कुल कमा रहे और बट वो है कि वो पूरा इन मशीनों के साथ मिल करके चलते हैं। ये नहीं कि मशीन आ गई तो वही काम करेगी, वो नहीं मशीन नहीं काम करेगी। आपको मशीन के साथ बराबर मेहनत करनी पड़ेगी फील्ड पे, तब आपको एक मशीन सटीक रिजल्ट देगी। हाँ, ये हमारी जिम्मेवारी रहती है कि आपको एक ओरिजिनल और हाँ। एक अच्छी मशीन देने की जिम्मेवारी हमारी रहती है, वारंटी गारंटी की जिम्मेवारी हमारी रहती है।
कोई भी भविष्य में कोई आपको चलाने में, मशीन को समझने में, किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए हम हमेशा ही तैयार रहते हैं दोस्तों। और अगर आप भी कोई ऐसी मशीन लेना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।